कुछ समय पहले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस ने ना जाने कितने लोगों की जाने ली थी और ना जाने कितने लोगों को अनाथ बना दिया था। ऐसा ही एक और खतरनाक वायरस है जिसका नाम है निपाह वायरस। बता दें कि ये वायरस जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। निपाह वायरस के लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश आदि। अगर निपाह वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया हो तो वो दूसरों को भी इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। मतलब एक की वजह से दूसरे लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बता दें कि दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड जिले में ही सामने आया था। साल 2021 में भी इस वायरस के कारण केरल में कई मौतें हुई। अब एक बार फिर केरल में निपाह वायरस का मामला सामने आया है जिससे लोगों में फिर से निपाह का खौफ फैल गया है। दरअसल केरल के कोझिकोड जिले में बुखार से दो लोगों की जान चली गई। इलाज के दौरान दोनों की प्राइवेट अस्पताल में मौत होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दोनों मरीजों की मौत निपाह वायरस की वजह से हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में से एक के रिश्तेदार को भी आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद केरल के स्वास्थ्य विभाग ने निपाह वायरस से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है निपाह वायरस के लक्षण और इससे कैसे बचा जा सकता है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि एक निजी अस्पताल में बुखार के बाद दो लोगों की अप्राकृतिक मौत हुई है। ऐसा संदेह है कि इनकी मौत निपाह वायरस के कारण हुई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस घटना की सूचना मिलते ही एक उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा ली। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि निगरानी शुरू कर दी है और मृतकों के सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास भेज दिए गए हैं। इस वायरस से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनमें एक 9 साल और एक 4 साल का बच्चा है। अब जानते हैं आखिर क्या है निपाह वायरस। बता दें निपाह वायरस एक खतरनाक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और यही वजह है कि इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है, यानी जानवरों के जरिए ये वायरस इंसानों में फैलता है। कई बार ये वायरस खाने पीने के जरिए और इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। कई वायरस की तरह ही निपाह का सोर्स भी जानवरों को ही माना जाता है। माना जाता है कि ये वायरस चमगादड़ के जरिए इंसानों तक फैलता है। चमगादड़ के अलावा ये वायरस सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्लियों जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। अगर निपाह वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया हो तो वो दूसरों को भी इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। मतलब एक की वजह से दूसरे लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बता दें कि निपाह वायरस का सबसे पहला मामला 1999 में मलेशिया के एक गांव सुनगई निपाह में सामने आया था। इसी कारण इस वायरस का नाम निपाह रखा गया है। निपाह वायरस को कम संक्रामक लेकिन ज्यादा घातक माना जाता है, यानी इससे संक्रमित तो कम लोग हो सकते हैं लेकिन मृत्यु दर ज्यादा होती है। केरल में जब एक बार निपाह वायरस फैला था तो इसकी मृत्यु दर 45-70% तक थी। इतना ही नहीं, अगर किसी शख्स की निपाह वायरस से मौत हुई तो उसके परिवार के दूसरे लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में निपाह संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय भी खास सावधानी बरतनी जरूरी है। बता दें कि दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड जिले में सामने आया था। साल 2021 में भी इस वायरस के कारण केरल में कई मौतें दर्ज की गई थी। अब जानते हैं क्या है निपाह वायरस के लक्षण। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होगा तो उसमें तेज बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देंगे। अगर वही स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो 24 से 48 घंटों में वो इंसान कोमा में भी जा सकता है। निपाह वायरस के लक्षण किसी भी इंसान में 5 से 14 दिन के अंदर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये 45 दिनों तक खिंच सकता है। ये वायरस से जुड़ा सबसे खतरनाक पहलू है क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कई दूसरे लोगों को इस वायरस से संक्रमित भी कर देंगे। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति निपाह से संक्रमित हो लेकिन उसमें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देगा। चलिए हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। आखिर क्या है इसका इलाज। निपाह का पहला मामला 1999 में देखने को मिला था, लेकिन अब तक ना तो इसके इलाज की कोई दवा है ना ही रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन। अभी के लिए निपाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है। चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचे। जमीन या सीधे पेड़ से गिरे फल ना खाएं। मास्क लगाकर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। वहीं अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।